हेलो फ्रेंड्स, आई एम आकांक्षा माथुर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद आकांक्षा माथुर। आज हम क्लास सिक्स का एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। फाइंड द सम बाय सूटेबल अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट मीन्स इन नंबर्स का प्लस करना है कुछ अरेंज करके किसी भी तरह से। अब इसका बेस्ट वे मैं आपको अगर आपको बताना चाहूँ तो इनकी जो यूनिट वैल्यू है, यूनिट वैल्यू मतलब जो फर्स्ट वैल्यू तीनों की, जो फर्स्ट वैल्यू है इसमें से जैसे 7 + 8 करते हैं तो आप आंसर कितना आया 15। 7 + 3 करते हैं तो वैल्यू कितनी आई 0। तो जब भी लास्ट के नंबर्स को प्लस करने पे वैल्यू 0 आए उन नंबर्स को हमें पहले प्लस करना है। देखते हैं एट्थ क्वेश्चन क्या लिखा है। 837 + 208 + 363। तो अभी मैंने आपको बताया 7 और 3 इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी आ रही है 10, यानी लास्ट में क्या आएगा 0। तो मैंने रीअरेंज करके 837 + 363 को साथ में कर दिया। इन दोनों का जब मैंने प्लस किया तो वैल्यू कितनी आई 1200। 1200 + 208 = 1408। रीअरेंजमेंट इसलिए करते हैं कि ईजीली प्लस होके कोई ईजी वैल्यू हमें मिल जाए। देखिए इन दोनों को हमने प्लस किया तो 1200 मिल गया। वहीं आप इन सब को प्लस करते तो शायद नंबर उतना ईजी ना आ पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। 1962 453 1538 647। मैंने अभी आपको बोला लास्ट का जो डिजिट है उसको प्लस करके देखिए। 2 को मैंने 3 से प्लस किया कितना आया 5, 0 नहीं आया। 2 को मैंने 8 से प्लस किया तो वैल्यू क्या आई 2 + 8 = 10, यानी इन दोनों का हमें पेयर बनाना चाहिए। दूसरी तरफ आप देखिए 3 और 7 वो भी एक 10 आ रहा है, लास्ट में 0 आ रहा है, तो इन दोनों का हमें पेयर बनाना है। तो हमने रीअरेंज किया, इस तरह से पेयर बना दिया। अब इनको प्लस किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई 3500 1100। इसको सॉल्व किया 4600। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइंड द प्रोडक्ट बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। अगेन मैंने वही बात कह रही हूँ, रीअरेंजमेंट मीन्स उनका मल्टीप्लाई प्लस एंड का जो होता है उसको इस तरह से फोकस कीजिए कि वो जीरो आ जाए। यहाँ देखिए 2 × 1768 × 50 करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। ईजी हो गया आपके लिए, रीअरेंज करना है तो 2 × 1768 × 50। तो 50 को मैं इसके पास ले आई 2 × 50 × 1768, मल्टीप्लाई किया वैल्यू क्या आई 100। ईजीली मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट बी पार्ट है 4 × 166 × 25। 25 × 4 कितना होता है 100। आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 × 4 क्या था 24 और 5 × 4 = 20, लास्ट में आपको 0 मिल रहा है। 100 × 166 = 16 16600। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट इसी का पार्ट देखते हैं। 8 × 291 × 125। 8 × 1 = 8 हो रहा है यहाँ पे, लेकिन 8 × 5 = 40, यानी 0 मिल रहा है हमें। तो रीअरेंज करके हम क्या करेंगे 8 × 125 को करेंगे। हमने सॉल्व किया 291 291 000 आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट डी पार्ट 625 × 279 × 16। 5 × 9 = 45, यानी 5 आ रहा है। 5 × 6 = कितना आ रहा है 30, यानी हमें 0 मिल रहा है। तो रीअरेंज करके हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 10,000 मिला हमें। 279
279-0000. Next, 285 × 5 × 60. 5 × 5 कितना हो गया? 25. अब 5 × 60 इधर हम करेंगे, 6 × 5 कितना हो गया? इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 300. 285 × 300 ये मल्टीप्लाई हो गया इजीली. नेक्स्ट 125 × 40 × 8 × 25. अब इसमें भी आप अपना अपने अकॉर्डिंग जो पेयर आपको लगता है जो बन सकता है वो आप बना लें. मैंने ये पेयर बनाया 125 × 8 × 40 × 25. इनका मल्टीप्लाई किया 1000 आया, इसका मल्टीप्लाई किया 1000 आया, वैल्यू आ गई हमारी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. 297 × 17 + 297 × 3. हमने प्रॉपर्टीज जब पढ़ी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये चीज़ हमें दी हुई है. अभी फिलहाल देखिए, ए इंटू बी 17 है, अगेन ए यानी 297 और सी 3 है. अब इसकी जगह हमें क्या रखना है? ए इंटू बी प्लस सी. इसको कैसे किया गया है कि इन दोनों में से, इन दोनों में से 297 कॉमन निकाल लिया. 297 अंदर क्या बचा? 17 + 3. इसको सॉल्व किया, 297 × 20 = 5940. नेक्स्ट क्वेश्चन 54 × 279 × 92 54 × 279 × 8. दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है दिख रहा है आपको? इन दोनों को कॉमन लिया हमने, अंदर क्या बचा? 92 + 8. इसको सॉल्व कर लिया, 8 × 1 = 269 − 8 × 1 = 65 × 69. दोनों में क्या कॉमन है? 8 × 1 = 265 हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? 169 − 69. इसको सॉल्व किया, 100 आया. अगर आपने बेसिक अच्छे से किया है तो ये चीज़ें इजी हो जाती हैं, फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ जो बेटर हो सकता है. इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 8 × 1 = 65 000. नेक्स्ट क्वेश्चन 3845 × 5 × 782 + 769 × 25 × 218. अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है? इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया. इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, सेम आंसर आया. देखिए यहाँ पे भी 19 × 225 है, यहाँ पे भी 19 × 225 है. दोनों में से हमने 19 × 225 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? 782 + 218. सॉल्व किया, हमें आंसर मिल गया, क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज. 738 × 103 को आप ईजीएस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 100 + 3, जो कि हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है. सुटेबल प्रॉपर्टी के थ्रू हमें इसको सॉल्व करना है. 103 तो 100 + 3 कर दिया. अभी हम लोग कॉमन
फाइंड आउट कर रहे थे। अब हमें क्या करना है, 738 इंटू 100 प्लस 738 इंटू 3। ये हमने इनका मल्टीप्लाई किया, आंसर ये आया। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये आया। इन सबको प्लस किया, वैल्यू आई 76,014। नेक्स्ट 854 मल्टीप्लाई 102, 854 मल्टीप्लाई 102, 102 मीन्स 100 प्लस 2। फिर हमने इसको सॉल्व किया, 854 मल्टीप्लाई 100 प्लस 854 मल्टीप्लाई 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया। 854 इंटू 2 किया तो 1708 आया। इन दोनों को प्लस किया तो 87108। नेक्स्ट क्वेश्चन, 258 मल्टीप्लाई 1008, 1008 को आप कैसे लिख सकते हो, 1000 प्लस 8, तो 1000 प्लस 8, 258 मल्टीप्लाई 1000, 258 मल्टीप्लाई 8, बीच में जो साइन होगा वो साइन यहाँ पे आ जाएगा। इनको हमने सॉल्व किया तो वैल्यू ये आई 260,064। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1005 मल्टीप्लाई 168, 1005 को आप कैसे लिख सकते हो, 1000 प्लस 5, 168 इंटू 1000, 168 इंटू 5, बीच में जो साइन है वो यहाँ आ जाएगा। इसमें दो ही चीज़ें होती है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, यानी प्लस होगा या माइनस होगा। इन दोनों को सॉल्व किया, ये आंसर आया। इनका मल्टीप्लाई करने पे 840 आया। इन दोनों को हमने प्लस किया तो 1,68,840। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 40 liters ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। मंडे को एक टैक्सी ड्राइवर ने 40 लीटर पेट्रोल डलवाया। द नेक्स्ट डे यानी ट्यूजडे, नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विद 50 लीटर ऑफ पेट्रोल। नेक्स्ट डे उसने कितना पेट्रोल डलवाया, 50 लीटर। इफ द पेट्रोल कॉस्ट 44 पर लीटर, एक लीटर की कॉस्ट 44 है, देन हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल, यानी उसने पेट्रोल पे कितना खर्चा किया। सबसे पहले देखिए, मंडे को उसने कितना पेट्रोल लिया, 40, और उसके नेक्स्ट डे 50, यानी टोटल कितना हो गया, 40 प्लस 50 90, और 1 लीटर की कॉस्ट अगर 44 है तो 90 लीटर की कॉस्ट कितनी होगी, 90 मल्टीप्लाई 44। देखिए, पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे 40 लीटर्स, पेट्रोल फिल्ड ऑन नेक्स्ट डे 50 लीटर्स, टोटल पेट्रोल फिल्ड कितना पेट्रोल भरवाया उसने, 40 प्लस 50 90 लीटर्स। कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पर लीटर, पर लीटर की कॉस्ट कितनी थी, 44, तो कॉस्ट ऑफ 90 लीटर पेट्रोल की कितनी होगी, 44 इंटू 90, तो कितना आया, ₹3,960 उसने पेट्रोल पे खर्चा किया। जो वो बोलता जा रहा है उस तरह से आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अ वेंडर सप्लाइज 32 लीटर्स ऑफ मिल्क टू अ होटल इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में वो 32 लीटर्स मिल्क देता था, 68 लीटर्स ऑफ मिल्क इन द इवनिंग। शाम को वो कितना देता था, 68 लीटर। इफ द मिल्क कॉस्ट 15 रुपीज पर लीटर, अगर मिल्क की एक लीटर की कॉस्ट 15 रुपीज है, हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे, यानी वेंडर की उस मतलब कितना पैसा उसको मिलना चाहिए,
कितना ड्यू है पर डे के हिसाब से। आप देखिए, मॉर्निंग में 32 है, इवनिंग में 68 है, दोनों को प्लस किया तो टोटल 100 लीटर्स, 100 लीटर मिल्क वो डेली उस होटल को देता था। तो 1 लीटर की कॉस्ट कितनी थी, 15, तो 100 की कितनी हुई, 100 × 15। मिल्क सप्लाई इन द मॉर्निंग 32 लीटर्स, मिल्क सप्लाई इन द इवनिंग 68 लीटर्स, मिल्क सप्लाई पर डे कितना हुआ, 100 लीटर्स। कॉस्ट ऑफ मिल्क पर लीटर कितनी है, 15 रुपीज़। तो टोटल मिल्क कॉस्ट कितना हुआ, कॉस्ट ऑफ 100 लीटर ऑफ मिल्क 15 × 100 रुपीज़ 1500। यानी उस वेंडर के ऊपर, वेंडर के लिए कितने ड्यू है, 1500 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। आपको प्रॉपर्टी बतानी है किसके उसमें है, अंडर में आती है, ठीक है। फर्स्ट देखिए, 425 × 136, तो 136 को उन्होंने क्या लिख दिया, 6 + 30 + 100। तो 425 इसको जब इसने ऐसे लिख दिया तो ये प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। यहाँ देखिए, सभी एडिशन में है और डिस्ट्रीब्यूट मतलब फैला दिया, 6 + 30 + 100। नेक्स्ट देखते हैं, 2 × 49 × 50, ठीक है, 2 × 50 × 49। आप ये देखिए, 50 की प्लेस चेंज कर दी, आगे पीछे कर दिया और बीच में कौन सा साइन लग रहा है, मल्टीप्लाई का। जब अपनी प्लेस चेंज होती है तो उसको हमने कौन सी प्रॉपर्टी बताया है, कम्यूटेटिव। अब बीच में कौन सा साइन आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन, तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई, कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन। अपनी जगह उन्होंने एक्सचेंज करी और बीच में साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई का, तो कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट है, 80 + 2005 + 20 = 80 + 20 + 2005। इसमें भी देखिए, अपनी जगह एक्सचेंज करी, जब आगे जगह एक्सचेंज करी और बीच में साइन कौन सा है, प्लस का, तो क्या आएगा, कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। प्रॉपर्टीज आना आपको बहुत ज़रूरी है, तभी ये पूरा चैप्टर आपको इजी रहेगा। थैंक यू। वी कैन डू मैथ्स इजीली।